related to class 11 and 12. This topic related to syntax. So here are some sentences. There are some mistakes in the sentences. You have to find out the mistake and correct them. Example number one. Cattle were grazing in the field. अब यहां देखिए लिखा हुआ है कैटल्स, लिखा हुआ मिस्टेक इज हियर. कैटल्स कभी नहीं होता है, हमेशा होता है कैटलसम. नाउन्स आर देयर, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. कैटल हो गया आपको, जैसे पीपल हो गया, कैटल हो गया, हेयर हो गया, ठीक है ना. तो ये हमेशा आपके प्लूरल होते हैं, ये कभी इसका सिंगुलर होता ही नहीं है. तो यहाँ पर कैटल, यहाँ पर जो टेस्ट लगा हुआ ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा कैटल, ठीक है ना. यहाँ पे कहते हैं कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड. नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है ही हैज कंपोज्ड मैनी पोएट्रीज. आप देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए, ही हैज कंपोज्ड मैनी पोएट्रीज. जो पोएट्रीज लिखा हुआ है, पोएट्रीज कभी नहीं होता है, हमेशा पोएट्री होता है. अब लेकिन सिंस आपका यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी, तो या तो आप कर दीजिए इसमें मैंने पोएम्स कर दीजिए. अगर इसको हम पोएट्री को हम प्लूरल सेंस में यूज करेंगे तो इसका हो जाता है पीसेज ऑफ पोएट्री, हो जाए पीसेज ऑफ पोएट्री. यहां पर आपका हो जाएगा ही हैज कंपोज मैनी पीसेज ऑफ पोएट्री, आप कर देंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आई हैव बॉट ऑल माई फर्नीचर्स. अब देखिए फर्नीचर्स लिखा हुआ है, फर्नीचर्स कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है फर्नीचर होता है, फर्नीचर. यदि आपका एक ऐसा नाउन है जब इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करें, मतलब प्लूरल सेंस में यूज करेंगे, यहां पर हम ऐड कर देंगे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर. If you want to use this noun in plural sense, you have to use here articles of furniture. Okay? Next लिखा हुआ है each boy and each girl are going there. अब देखिए यहाँ पर are लिखा हुआ है. जब भी each या every से जुड़ा हुआ कोई noun होता है, ठीक है ना, और उसको हम and से connect कर दें, तब भी इसके बाद के यहाँ पर जो वर्ब जो आप यूज करेंगे वो हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, आप इज करेंगे, क्या करेंगे इज, ठीक है ना. ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग देयर, आपका होगा आर कभी नहीं होगा, चाहे ईच लगा हो चाहे एवरी लगा हो. नेक्स्ट लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द सिंगर्स वर अब्सेंट. अब देखिए जरा सिंगर्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि सिंगर्स में से कोई भी वहां पर अब्सेंट नहीं था. आपको पता है नाइदर हम कहां यूज करेंगे, देखिए दो चीजें होती हैं, एक आपको होता है आइदर और एक आपको होता है नाइदर. इन दोनों का हम यूज करते हैं टू के सेंस में, जब भी आपकी टू थिंग्स होगी, टू थिंग्स और टू पर्सन्स, वहां पर हम यूज करेंगे आइदर और नाइदर. आइदर आपका अफर्मेटिव सेंस से रखता है और नाइदर रखता है आपका नेगेटिव सेंस. आइदर ऑफ यूज करेंगे आइदर ऑफ, जैसे हम यूज करेंगे आइदर ऑफ द टू बॉयज, मान लीजिए किया आइदर ऑफ द टू बॉयज, इसका मतलब क्या हुआ, दो बॉयज में से कोई एक, पता नहीं कौन सा, पहला वाला है दूसरा वाला पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, आइदर ऑफ द टू बॉयज का मीनिंग ये होता है दो बॉयज में से कोई एक. अगर यूज करेंगे नाइदर ऑफ द टू बॉयज, अगर हम ये यूज करेंगे तो इसका मीनिंग होता है दोनों बॉय में से कोई नहीं. देखिए बोथ द बॉय जो होता है वो दोनों होता है, मतलब दोनों का जब नेगेटिव करेंगे, बोथ द बॉय से नेगेटिव करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे नाइदर यूज करेंगे, नाइदर ऑफ टू बॉयज, ठीक है ना. तो नाइदर यूज करेंगे या आइदर यूज करेंगे हमेशा टू में, टू के सेंस में करेंगे. अगर मोर देन टू है तो मोर देन टू के सेंस में आप आइदर की जगह यूज करेंगे एनी यूज करेंगे, एनी ऑफ द बॉयज, और नाइदर की जगह यूज करेंगे आप नन.
none of the boys. लेकिन हम either और neither केवल हम तब use करेंगे जब यहाँ पे two दिया होगा clear. तब use करें. अब यहाँ देखिए कुछ इसमें कुछ clear नहीं दिया हुआ है. यहाँ लिखा of the singers. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर two clear नहीं है. कितने हैं? इसको हम मान के चलेंगे more than two है. तो इसके लिए हम क्या use करेंगे? यहाँ पर use करेंगे हम none. क्या use करेंगे? None. यहाँ पर none आपका सही है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ही इज सीनियर देन. अब देखिए सीनियर हो गया आपका सीनियर जूनियर इंफीरियर सुपीरियर प्रायर. इनके बाद हमेशा टू आता है. देन का मीनिंग है क्या? इसमें आएगा यहां पर आपका टू आया. तो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस? ही इज सीनियर टू मी. नेक्स्ट लिखा हुआ है ईच ऑफ द बुक्स वर्क ऑफ के भी मैंने ऊपर बताया था. जब भी ईच लगा हो या एवरी लगा हो ऑलवेज यूज सिमिलर फॉर्म ऑफ वर्क. तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? ये जो वर्क लिखा हुआ है यहां पर क्या होगा आपका? यहां पर होगा वॉज. क्या सिमिलर हो जाएगा? ईच ऑफ द बुक्स वॉज पॉजिटिव हो जाएगा. नेक्स्ट लिखा हुआ है ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट. अब देखिए ये नोट आपका एक नाउन है. उसके पहले जो लिखा हुआ है 10 रुपीज करके ये क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव लिखा हुआ है. और देखिए एडजेक्टिव जब भी आपका फॉर्म होता है अगर कोई एडजेक्टिव मान लीजिए है और अगर वो उसका फॉर्मेशन दो नाउन से मिलके हो रहा है मतलब अगर कोई एडजेक्टिव कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड विद द मिक्सचर ऑफ टू नाउन्स. अब यहाँ 10 है और रुपीज है दो यहाँ पे नाउन्स है दोनों मिलकर के एक एक जो है कंपाउंड नाउन बना रहे हैं जो एडजेक्टिव को मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे हो रहा है ठीक है ना. अब देखिए तो यहाँ पर जब भी दो नाउन्स मिल करके कोई एडजेक्टिव बनाएंगे तो हम उसको यूज करेंगे इस तरीके से 10 और बीच में आपका हाइफन साइन लगेगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा रूपी. रूपीज नहीं होगा क्या होगा? 10 रुपी. ये कंपाउंड आपका नाउन जो एडजेक्टिव बना हुआ है यहाँ पर ठीक है ना. यहाँ पर रुपीज से क्या कर देंगे? रुपी कर देंगे. जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो वहां पर हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिख करके क्या करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में इसको रखेंगे. 10 रुपी आपका नोट आ जाएगा ठीक है ना. यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है ही गेव मी अ 10 रुपी नोट. अब चाहे यहाँ पे लिखा हो 100 रुपी नोट 1000 रुपी नोट है ना कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ हमेशा यहाँ पे रुपया अगर रुपीज कभी नहीं आया ठीक है ना. क्या हो जाएगा? 10 रुपी यहां पर रूपी कर देंगे ठीक है ना. और यहां पर एक हाइफन साइन लगेगा. इसके बाद लिखा है वी एंजॉयड एट द पार्टी. अब देखिए एंजॉय कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? जो उसका सब्जेक्ट होगा उस वर्ब का तो उसके बाद में क्या होता है उस सब्जेक्ट का उस प्रोनाउन का क्या लगेगा वहां पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा. कौन सा प्रोनाउन लगेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ विद द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन. अब जैसे वी लिखा हुआ यहां पर अब वी का जो इसका जो जो वो बनेगा क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा आर सेल्फ. आर सेल्फ जैसे आई का होता है माई सेल्फ वी का होता है आर सेल्फ दे का होता है देम सेल्फ है ना. यू का होता है योर सेल्फ और योर सेल्फ होता है ना. ही का होता है हिम सेल्फ शी का होता है हर सेल्फ. इस तरीके से आपके आपके यहाँ पर क्या बनेगा? रेफरेंस प्रोनाउन लगेगा. ये क्यों लगा हुआ है? बिकॉज यहाँ पर एक स्पेशल एक वर्ब लगा है एंजॉय. आपको सुना होगा एंजॉय योर सेल्फ नहीं कहते. लेकिन एक चीज और है इसमें अगर एंजॉय के बाद में डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है. आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका ये है यहाँ पर कर दीजिए वी एंजॉयड आर सेल्फ एट द पार्टी कर दीजिए या फिर कर दीजिए वी एंजॉयड द पार्टी के लोग आप ऐड कर दो तब बन जाएगा. वो चाहे तो कर दो आप वी एंजॉयड द पार्टी कर दो या फिर वी एंजॉयड आर सेल्फ एट द पार्टी है ना. बोथ आर करेक्ट. लास्ट वाली बात है ऑलवेज टेल द ट्रूथ. अब देखिए ये आपका फ्रेज है हमेशा आपने सुना होगा टेल अ लाई. देखिए टेल अ लाई होता है ना टेल अ लाई और स्पीक
द ट्रूथ। बिल्कुल फिक्स है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये फ्रेज है और फ्रेजेस को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। टेल के बाद हमेशा ए आएगा तब लाई होगा, मतलब लाई को इसमें हम पहले यूज करेंगे और जब ट्रूथ होगा तो वहां पर स्पीक यूज करेगा और यहाँ पर आर्टिकल आपको यूज होगा। बिल्कुल फिक्स आपको फ्रेज है, रख लीजिए है ना। ये हमेशा इसमें कोई चेंजेस में नहीं कर सकते हम। इसमें रहेगा ऑलवेज टेल, सॉरी स्पीक द ट्रूथ। क्या करेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहां पर हम कर सकते हैं स्पीक द ट्रूथ। ओके, सो दीज आर द करेक्शंस इन दिस सेंटेंसेस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी मोर एग्जांपल्स।